नमस्कार बच्चों, आज हमारा सेकंड पार्ट है दसवीं क्लास के एसएस का भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के दो टॉपिक हम कर चुके हैं। तीसरे टॉपिक में हम आज करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। तो पहला प्रश्न बनता है हमारा जलियांवाला बाग का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। दूसरा है साइमन कमीशन। तीसरा है मुस्लिम लीग। और अगला है महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो क्या कदम उठाए गए महात्मा गांधी। तो पहला हमारा है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, क्या था जलियांवाला हत्याकांड। बहुत है एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जलियांवाला हत्याकांड क्या था, 14 अप्रैल 1919 को एक भारत के अंदर एक बहुत निर्दयी घटना घटी पंजाब के अमृतसर के अंदर, और उसको नाम दिया गया था जलियांवाला हत्याकांड। तो क्या था ये, भारत के लोग एक एक्ट से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। वो एक्ट था रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई पहले सूचना दिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, उसको नज़रबंद कर दिया जाता था। और भारत के लोग इससे नाराज थे, उन्होंने इस एक्ट का विरोध करने के लिए जुलूस धरने देने आरंभ कर दिए। अंग्रेजी सरकार इससे भयभीत हो गई और उन्होंने धारा 144 लगा दी कि कोई भी 5-10 आदमी है वो कहीं पर भी इकट्ठा होकर कोई भी जनसभा नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। इस प्रकार का उन्होंने कार्य कर दिया। बैसाखी का दिन था पंजाब के अंदर, बैसाखी को त्यौहार मनाया जाता है, और उसी के अवसर पर जलियांवाला के अंदर भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी कुछ बातें सामूहिक रूप से करने के लिए, इस एक्ट का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। लोग शांतिपूर्वक बातें कर रहे थे, लेकिन उसी समय अंग्रेज सरकार की जो चाल थी भी कहीं 5-10 आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो उसी पर जनरल डायर हुआ करते थे उस टाइम यहाँ पर जनरल। उन्होंने जलियांवाला के अंदर जितने भी आदमी थे उन पर क्या कर दी, गोलियां चलानी आरंभ कर दी। कुछ लोग तो गोलियों के द्वारा मारे गए, बहुत से लोग वहां बताते हैं कुआ था, कुएं में गिर करके मर गए। सैकड़ों आदमी हैं वो वहां पर मारे गए। तो ये था हमारा जलियांवाला हत्याकांड। क्या था जलियांवाला हत्याकांड, बहुत स्त्री छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ, बहुत ज्यादा जनसंहार वहां पर हुआ। इसी से संबंधित प्रश्न है जलियांवाला से ही संबंधित प्रश्न हमारा साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन था जो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1927 में। किस लिए तैयार किया जा रहा था इसको, इस कमीशन को किस लिए तैयार किया जा रहा था, इसको तैयार किया जा रहा था जो 1919 में जो घटनाएं घटी हैं उनकी समीक्षा के लिए, उनकी जांच के लिए किया जा रहा था। और ये 1927 में तैयार हो गया हुआ और 1928 में कहाँ पहुंचा, भारत के अंदर पहुंच गया। 1928 में भारत के अंदर पहुंचा, अंग्रेजी अधिकारी के सारे इसके अंदर। ये कितने सदस्य थे, 7 सदस्यों का एक संगठन था, कमीशन था ये, इसके अंदर 7 सदस्य थे। और ये 1919 में जो घटनाएं घटी थी उसकी जांच करने के लिए भारत आए थे। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, सर जॉन साइमन। कौन थे इसके अध्यक्ष, सर जॉन साइमन। और इसी अध्यक्ष के नाम से इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो इसी के नाम से रखा गया इसका साइमन कमीशन। अब जगह जगह पर इसका भारत के अंदर आते जगह जगह इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का, क्योंकि अगला विरोध इसका भारतीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, इसको काले झंडे दिखाए। क्यों दिखाए, क्योंकि इस इन 7 जो सदस्य थे इन 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था, और उनके भारतीय लोग भारत के जो लोग थे उनके उनमें क्या था कि ये जो 7 सदस्य अंग्रेजी अधिकारी हैं ये भारत के अंदर जो जांच करने के लिए आए हैं, भारत के लोगों की
मनसा को समझने के लिए आए हैं कि किस प्रकार के अत्याचार अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों पर कर रही है उसकी जांच है वो अच्छी प्रकार से नहीं करेगी। इस कारण से लोगों ने, भारत के जो लोग थे उन लोगों ने इसको गो बैक के नाम में कहा, काले झंडे दिखाए गए थे। और बंगाल के अंदर जो हमारे बंगाल के अंदर क्या था, लाला लाजपत राय, बंगाल के अंदर क्या था, लाला लाजपत राय, उन्होंने इसका विरोध किया और वहां पर अंग्रेजों अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा बेसहारा लाठियां चलाई गई और वो वहीं पर शहीद हो गया, शहीद भी हो गए थे। और इन सब बातों से भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा रोष पैदा हुआ। फिर हमारा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था? अतः इसके बाद आता हमारा मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग क्या था, ठीक है, पूरा प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, कारण क्या थे, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे और कारण क्या, दोनों भी करेंगे हम देखेंगे। अब जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को, अब हुई थी 30 दिसंबर 1906 को, कहाँ हुई थी, ढाका के अंदर, कहाँ हुई थी, ढाका के अंदर हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, ढाका के अंदर इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और उस समय इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां नवाब सलीमुल्लाह इसके उस समय के प्रभावी नेता थे। अब इनके मुस्लिम लीग की स्थापना करने का कारण क्या था, क्यों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, क्यों की गई थी, जो मुसलमान थे वो क्या मानते थे, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो मानते थे कि जो कांग्रेस है वो क्या है, एक हिंदू संगठन है, हिंदू जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका एक संगठन है, वो मुस्लिमों के हित की बात नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक नई संस्था तैयार की, एक नया लीग की स्थापना की, उसको नाम दिया मुस्लिम लीग। दूसरी बात क्या है, इसके पीछे एक अंग्रेजों का भी कारण था, क्या कौन सा कारण था अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो और राज करो, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिल करके देश के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएं, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ नई गतिविधियां आरंभ करें, इसके लिए अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी फूट डालो और राज करो, अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे तो हम ज्यादा लंबे समय तक भारत पर राज कर सकते हैं, जिसके पीछे एक ये कारण भी था, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, ये तो कारण थे इसके भी, मुस्लिम लीग बनाने के पीछे कारण क्या थे। अब उद्देश्य क्या थे इसके, मुस्लिम लीग बनाने के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य इसके मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, मुस्लिम लीग का क्या था, मुसलमानों के जो हित हैं, मुसलमानों के जो भी कार्य हैं उनकी रक्षा करना, दूसरी बात कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त होने को, वो मानते थे कांग्रेस के अंदर हिंदू नेता है वो अपनी बात को ज्यादा प्रभावी रखते हैं, तो कांग्रेस के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे मुस्लिम लीग के सदस्य। और ये क्या मांग थी, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना, कि हमारा जहाँ पर संख्या ज्यादा है तो हमारा वहां निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, हम वहां से अपने चुनाव को लड़ सकें। और अगली बात है अलग राज्य की मांग करना, अलग राज्य भी हम हमारा जहाँ पर संख्या अपना अलग राज्य स्थापना करना चाहते हैं, ये थे इसके कारण उद्देश्य, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका के अंदर हुई थी, आगा खां नवाब सलीमुल्लाह इसके उस समय के प्रभावी नेता थे और इसके कारण थे मुसलमान कांग्रेस को हिंदू संस्था मानते थे, वो अपने आप को कांग्रेस के अंदर सुरक्षित नहीं समझते थे, और उसमें दूसरी बात क्या थी, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के देश को आज़ाद कराने के लिए कोई प्रभावी तरीका अपनाएं, किसी प्रकार की नीति को बनाएं, तो अंग्रेजों उस समय अंग्रेजों ने भारत के लोगों में हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया था। तो ये हमारे तीन प्रश्न अगला है हमारा प्रश्न, महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के क्या कदम उठाए, दलित उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए, दलितों के विकास के लिए महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, क्या क्या किया, उन्होंने एक तो छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, विदेश के अंदर छुआछूत की जो परंपरा चली आ रही थी उसको खत्म करने का प्रयास किया,
सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक जो स्थान थे स्कूल विद्यालय तालाब सार्वजनिक जो भी चीजें थी जो सभी के लिए सम्मान है कुएं हैं तालाब हैं नलकूप हैं उनको सम्मान अधिकार में सभी के लिए सम्मान है। ये किसी के अकेले के नहीं है, चाहे वो दलित हो चाहे कोई और हो, उन सब के लिए ये चीजें सम्मान है, उन सभी का चीजों का वो प्रयोग कर सकते हैं। अब उनके क्या जो मेला ढोने वाले थे सफाई कर्मचारी थे उनको सम्मान दिलाने के लिए, ये भी हमारे ही भाई हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए गांधी ने खुद भी सफाई का कार्य किया, खुद भी ऐसे कार्य किए जिससे उनको सम्मान देने की दृष्टि से देखा जा सके। और उच्च जाति के लोगों से उन्होंने आह्वान किया, उनको कहा कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं दलित लोग हैं वे भी अपने ही भाई बहन हैं, उनको भी सम्मान दृष्टि से देखा जाए और अपना हृदय परिवर्तन करें, उनको सम्मान दृष्टि से सम्मानता का दर्जा दिया जाए, उनको सम्मान समझा जाए। और दलितों के राष्ट्रीय आंदोलन में जो दलित थे वो तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए उनको आह्वान किया, तो तुम भी हमारे भाई बहन हैं आप भी हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले सकते हैं। तो ये था हमारा भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा टॉपिक, इसमें तीन चार प्रश्न हो गए हैं, चार प्रश्न लगभग हो गए हमारे, तो अगले जो प्रश्न बचते हैं वह अगले वीडियो में करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।